हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नीतू कुमावत। कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ कि ऐसे प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू करने वाली हूँ। अक्सर आपके स्किन पे, अगर आपके स्किन पे भी पिगमेंटेशन है, मेलाज्मा है, हाइपर पिगमेंटेशन है या फिर एक्ने पिंपल्स के मार्क्स रह गए, निशान हो गया, कोई भी दाग धब्बा है आपके स्किन पे या फिर छाइयां है, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। यह आयुर्वेदिक क्रीम के बारे में मैं बताने वाली हूँ कि आयुर्वेदिक क्रीम के साथ साथ आपको किस तरीके से ये सुरक्षित रहेगी ये क्रीम, और क्या सच में अपनी जो प्रॉब्लम है उसको रिमूव करेगी कि नहीं करेगी, क्योंकि हमें इन दिन से पता चलेगा कि प्रोडक्ट किस टाइप का है। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि प्रोडक्ट किस टाइप का है, क्या साइड इफेक्ट है इसका और कब कैसे लगाया जाता है। ये आयुर्वेदिक क्रीम तो है लेकिन इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है? अगर हमारी स्किन पे पिगमेंटेशन, मेलाज्मा हो जाता है, ये सब की प्रॉब्लम हो जाती है, तो क्या हम ये क्रीम को खरीदें कि ना खरीदें? क्योंकि ये काफ़ी पॉपुलर क्रीम है, काफ़ी लोग इसको खरीद रहे हैं, अपनी स्किन पर यूज कर रहे हैं, क्योंकि उन काफ़ी लोग परेशान रहते हैं, पिगमेंटेशन से, ये सब की शिकायतों से काफ़ी लोग परेशान रहते हैं कि मुझे कुछ अच्छा सा प्रोडक्ट मिल जाए जिससे हम इसको क्लियर कर सकें और ना कोई साइड इफेक्ट हो, ऐसा कोई प्रोडक्ट मिल जाए जिससे हमारी स्किन सुरक्षित रहे, क्योंकि हर कोई चाहेगा कि अपनी स्किन सुरक्षित रहे। अगर आपकी स्किन, देखो ये स्किन लाइटनिंग क्रीम है, अगर आपकी स्किन ये सब की प्रॉब्लम है तभी ही ये प्रोडक्ट खरीदना है, वरना नहीं खरीदना। डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिएगा और तभी ही आपको खरीदना है यह क्रीम। और एक बार अपने फेस पे लगाने से पहले एक बार हाथ पर चेक करके फिर बाद में आपको अपने फेस पे लगाना है, ऐसे ही डायरेक्टली नहीं लगाना है इस क्रीम को। तो चलिए बात करते हैं इस क्रीम का नाम क्या है। ठीक है, तो इस क्रीम का नाम है साई साफा स्किन लाइटनिंग क्रीम है। इस टाइप की ये आयुर्वेदिक क्रीम मिलेगी, इस टाइप के पैकेजिंग में मिलेगी। ठीक है, आपको ये ऑनलाइन में या फिर मेडिकल स्टोर में बड़ी आसान से मिल जाएगी और 15 ग्राम की क्वांटिटी में मिलेगी और इसकी प्राइस 150 रुपीज़ है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सच में हमारे पिगमेंटेशन, जो दाग धब्बा हो, जो पिछाइयाँ वगैरह होती है, ब्राउन वाली, ब्लैक वाली छाइयाँ हो जाती है अक्सर हमारे फेस पे, ये सब की प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो फेस हमारा बहुत ज़्यादा भद्दा दिखता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता। तो हम सोचते हैं कुछ एक अच्छा वाला प्रोडक्ट मिल जाए जिससे हमारे ये फेस के जो भी दाग धब्बे उसको हम रिमूव कर सकें। ठीक है, हर कोई सोचता है, अगर उनकी स्किन में प्रॉब्लम होगी तो हर कोई सोचेगा ना। तो अगर आपकी स्किन पर ये सब की प्रॉब्लम है तो आप इस क्रीम को खरीद सकते हो। कैसे खरीद सकते हैं तो जानते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स कि भाई अच्छा है कि नहीं, अपनी स्किन को ये साफ करेगा कि नहीं करेगा। तो चलिए जानते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। तो इसमें है एलोवेरा है और हल्दी है, इसमें पपैया मंजिस्टा है इसमें, और है इसमें गुलाब जल है। ये इंग्रेडिएंट्स से मिलकर ये क्रीम बनी हुई है, काफ़ी ज़्यादा नेचुरल क्रीम है। इसके इंग्रेडिएंट्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देगा ये क्रीम। ठीक है, अब बात करते हैं हल्दी। आप सभी को पता है कि हल्दी में एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती है और एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं। ठीक है, जो कि हमारी स्किन के एक्ने पिंपल्स को रिमूव करता है और कोई भी हमारी स्किन पे दाग धब्बा होता है उसको ये रिमूव करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है और घाव को भी ये रिमूव करने में मदद करता है। ठीक है, अब बात करते हैं गुलाब जल की। गुलाब जल आपकी स्किन को फ्रेश करता है और टोन को ये निखारता है। ठीक है, बात करते हैं एलोवेरा। एलोवेरा क्या करता है, अपनी स्किन को सॉफ्टनिंग देता है और मॉइस्चराइजर करता है, अपनी स्किन के जो दाग धब्बे होते हैं और उसको रिमूव करने में मदद करता है। पपैया क्या करता है, पपैया अपनी स्किन टोन को फेयर करने में मदद करता है। जो भी अपने पिगमेंटेशन होता है, मेलाज्मा होता है, हाइपर पिगमेंटेशन होता है, ये जो ब्लैक ब्लैक निशान होते हैं पिगमेंटेशन के, मेलाज्मा के, जो ब्लैक वाले, ब्राउन वाले निशान होते हैं अपनी स्किन पर, छाइयाँ होती है, उसको रिमूव करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। तो इसके इंग्रेडिएंट्स तो काफ़ी अच्छे हैं, तो अब इसको लगाना कैसे है वो जान लेते हैं। तो इस क्रीम को आपको ओनली नाइट में लगाना, डे में बिल्कुल ना लगाए। देखो गाइस, कोई भी क्रीम होती है वो डे में, आपको देखो डे क्रीम होती है वो आप लगा सकते हो, लेकिन ये क्रीम है ना ऑल स्किन टाइप्स के लिए बहुत अच्छी क्रीम है, सुरक्षित क्रीम है और आपकी स्किन पे कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। और इस क्रीम को ऑल स्किन टाइप्स के लोग लगा सकते हैं, इसको ओनली नाइट में लगाना है, अपनी स्किन को क्लीन करना है और फिर बाद में इस क्रीम का यूज करना है। आंख नाक मुंह से दूरी बना के यूज करनी है, आंख नाक में नहीं घुसाना है, छोटे बच्चे का हाथ नहीं देनी है, इसकी कैप को टाइटली करके बंद करना है, ठंडी जगह पर रखनी है, तुरंत हाथ धो लेना है। छोटी चीजों का ध्यान रखते हुए इस क्रीम का यूज करना है। जो गर्भवती स्त्री है प्रेगनेंसी के टाइम पे प्लीज इस क्रीम का यूज ना करें, अगर यूज भी करते डॉक्टर की सलाह लेकर यूज कीजिएगा। और हाँ, फेस में लगाने से पहले आप एक बार हाथ पे चेक करके फिर बाद में यूज करना है, ऐसे यूज नहीं करना वरना आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। देखो इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, फिर भी मैं बताऊंगी कि आप हाथ पे चेक करोगे, अगर आपकी स्किन पे कोई जलन खुजली इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप फेस पे नहीं लगाना है, आप जान लीजिएगा कि इससे अपनी स्किन पे ये सूट नहीं कर रहा है। वैसे ये नेचुरल क्रीम है, आपके ऑल स्किन के लिए सूट करेगा, लेकिन फिर भी एक बार चेक करके मन को तसल्ली देके फिर बाद में आप अपने फेस पे लगाइएगा, क्योंकि पहले से हमारा फेस ख़राब रहता है और फिर हम फिर से और कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो हमें दिक्कत हो सकती है। तो आप एक बार चेक करके फिर बाद में यूज कीजिएगा। इस क्रीम को आपको डेली यूज करना है और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही एंड करते हैं इस वीडियो को। आई होप इस वीडियो के जरिए आपको थोड़ी सी भी जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर आप लोग भी इस प्रोडक्ट का यूज़ किया हो, आपको कैसा क्या रिजल्ट मिला है वो कमेंट करके जरूर बताएगा, ताकि मेरे यूट्यूब की फैमिली आपके कमेंट को पढ़ के उनको थोड़ी सी जानकारी प्राप्त हो सकेगी। ठीक है, अच्छा है कि नहीं है तो वो कमेंट करके आप बताइएगा। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्यार सपोर्ट देते रहिएगा। जिन्होंने वॉच किया इस वीडियो को उनको बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।